नमस्कार, मैं जय निवास, टाइम्स लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। और अभी आपके स्क्रीन पर यह दिख रहा है अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा, जिसके अंतर्गत विशाल अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल युवक परिचय सम्मेलन का आयोजन इसी जगह किया गया। कल से चल रहा था, आज समापन हो चुका है। हम अंदर लेके आपको चलते हैं, कार्यकारिणी के कुछ लोग अंदर है, उनसे जानेंगे इस समापन में क्या कुछ। नमस्कार, मैं जय निवास, टाइम्स लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। अभी अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा के बैनर तले अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल के बच्चों का परिचय सम्मेलन अंदर इसी हॉल में चल रहा है, और अभी विधायक महोदय वहां से होकर आए हैं। पूछते हैं उनसे क्या कुछ उनका अनुभव। जी सर, देखिए, मैं यहां पर अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा को देखा हूँ। पूरे देश के अंदर इन्होंने प्रचार करके यहाँ पर अग्रवाल समाज के युवक युवती लड़के लड़की बात यही है कि जहाँ पर किसी को रिश्ते दिक्कत आ रही है तो आओ वो हम संबंध आपके बढ़वाएंगे, एक दूसरे का परिचय करवाएंगे। क्योंकि आज जीवन के आंदोलन के अंदर लोगों को संसद में बहुत बोलता हूँ। पहले ये संबंध है गांव में आपसी, अगर मंदिर से एक दूसरे से मिलकर बैठक से चौपाल से तय होता था, अब एक बीच में इतना बड़ा सम्मेलन करते हैं, इसका क्या फर्क पड़ता है? देखिए, आज व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर, पहले गांव के अंदर रहते थे तो वो 40-50 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही वो रिश्ते होते हैं। आज एक प्रांत से दूसरे प्रांत के अंदर लोग रहते हैं, तो ऐसी संस्थाओं के रूप है जिस माध्यम से, जैसा कि उन्होंने मन से कह रहे थे कि इनका मेंबरशिप 15 लाख के आसपास है और कई राज्यों में फैल चुका है और इनका संख्या दिनों दिन बढ़ रहा है, आप क्या संदेश देंगे? जो अच्छा कार्य करेगा तो उसका अभी तो 15 लाख है, मैं कह रहा हूँ कि ये 15 करोड़ भी होगा। जितने पूरे भारतवर्ष की अग्रवाल समाज की जनसंख्या है तो ये पूरा का पूरा। सम्मेलन में एक शब्द विशाल अंतर्राष्ट्रीय जुड़ा हुआ है, जैसा कि दुबई और नेपाल से भी कई लोग यहाँ पधार आए थे, सम्मेलन में हिस्सा लिए थे, उनका स्वागत भी हुआ था। और यह सम्मेलन दिल्ली एनसीआर नहीं पूरे भारत के लिए काफ़ी खासे महत्व रखता है। आपके स्क्रीन पर एक लाइन से सारे पदाधिकारीगण दिल्ली और नेशनल बैठे हुए हैं, हम इनसे जानते हैं समापन समारोह कैसा रहा और पूरा परिचय सम्मेलन का अंजाम क्या हुआ, क्या सोच है और आगे क्या रणनीति तय होने वाली है। इसी विषय पर सबसे पहले हम राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश जी के पास चलते हैं। जी सर, आज का कार्यक्रम हम आज समापन किया हुआ है, इसमें दो दिन में हजारों युवक युवतियों ने परिचय सम्मेलन में अपना परिचय दिया। और ये सबसे बड़ी बात रही, जो हमारी बहनें बेटियाँ मंच पर आने हैं वे सब चाहती थी, परिचय नहीं देती थी, लेकिन इस परिचय सम्मेलन में पहली बार देखने को मिला कि हमारी बहन बेटियों ने सबसे ज़्यादा परिचय दिया। और यह हमारे संगठन की बहुत बड़ी अच्छाई है कि इतनी लोग तादाद में यहाँ एकत्रित हुए, इसका हमको भी अंदाजा नहीं था। हजारों की संख्या में पूरे दिल्ली नहीं पूरे भारतवर्ष से, यहाँ तक के पूरे विश्व से, नेपाल से, दुबई से, ऑस्ट्रेलिया से हमारे संगठन में आए और उन्होंने आकर परिचय दिया, और हमारे संगठन से भी लोग जुड़े, ये हमारी बहुत ही अच्छी बात है। संगठन से भी जुड़े लोग हिस्सा लिए, ये बहुत अच्छी बात है। अब दिल्ली के संयोजक जो पूरा सम्मेलन परिचय सम्मेलन का श्रेय कहीं ना कहीं उनको भी जाता है, उनसे हम पूछते हैं अशोक कंसल जी क्या सोच रहते हैं और क्या वो सोच रहे हैं। जी सर, रोहिणी के सेक्टर 5 की अग्रवाल धर्मशाला के प्रांगण में अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा का जो 2 दिन का 14 और 15 मई का जो परिचय सम्मेलन अग्रवाल समाज की युवक युवतियों का हुआ, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था भाई इस प्रांगण के अंदर मतलब इतनी संख्या के अंदर मतलब युवक युवतियां और इतने गणमान्य व्यक्ति आएंगे, जो कि हमारे दिल्ली विधानसभा से हमारे यहाँ एरिया के विधायक जी है और जितने भी यहाँ के निगम पार्षद है, भले संदीप कनिका जैन हो या गायत्री हेमराज जी हो, चित्रा अग्रवाल जी हो और तमाम जितने यहाँ के गणमान्य व्यक्ति हैं, अगर इंटरनेशनल हॉस्पिटल के प्रधान हैं, इनके जनरल सेक्रेटरी हैं, अग्रसेन पंजाब विभाग हॉस्पिटल के सभी पदाधिकारी और यहाँ के आसपास की जितनी भी धर्मशाला अग्रवाल धर्मशाला और जितने यहाँ पधारे, उनका मैं तहे दिल से
इसमें स्वागत किया और ये आज इसका समापन हो रहा है, जिसका कि मतलब आज भी इतनी संख्या के अंदर जो युवक युवतियां का परिचय सम्मेलन हुआ और इतने अग्रवाल बंधु आए जो जो कि इस संस्था को इतना आशीर्वाद दे के गए हैं भाई ये कार्यक्रम ये संस्था लग हर महीना करे। वो उनका ये भी कहना था भाई इतनी इतनी इतना जनसमूह और इतना बढ़िया इतना सुंदर कार्यक्रम मतलब यहाँ इस प्रांगण में हुआ, हमने आसपास में कहीं देखा नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा भाई हमने आज तक ऐसा कार्यक्रम इतना सुंदर कार्यक्रम हमने देखा ही नहीं परिचय सम्मेलन संबंधी। इतना सुंदर आयोजन देखा नहीं, ऐसे जितने भी यहाँ कार्यकारिणी के सदस्य पदाधिकारी बने हैं पद अलग हो लेकिन सेवा भाव सब में एक से बढ़कर एक है, इस बीच जानते हैं इनका योगदान राष्ट्रीय स्तर पर क्या रहा। जी सर। भाई ऐसे परिचय सम्मेलन होते रहने चाहिए, हमारे समाज में इस टाइम सबसे बड़ी कमी है कि कोई भी एक दूसरे के रिश्ते करा के राजी नहीं होता। इस चक्कर में लड़के लड़कियों की उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो सब परेशान रहते हैं, वो कोई सा भी वर्ग हो चाहे अच्छे लोग हों चाहे नीचे लोग हों सभी परेशान हैं, किसी के रिश्ते नहीं हो पा रहे। ऐसे परिचय सम्मेलन लगातार होते रहने चाहिए, इससे बढ़ावा मिलेगा हमारे समाज में कि एक दूसरे को सब करने लगेंगे। जितने ज़्यादा सम्मेलन होंगे उतने ज़्यादा रिश्ते होंगे और सफल आयोजन होना चाहिए और इसको देख के जो कमियां यहाँ रह गई हैं आगे उसमें अगले सम्मेलनों में उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। जो कमियां हैं उनको अगले सम्मेलन में दूर करने की कोशिश की जाएगी। अब थोड़ा थोड़ा सारे लोग से वक्तव्य जानेंगे क्योंकि सारे पदाधिकारीगण सबका कहीं कहीं इसमें हिस्सा है और मंच संचालन में जिस तरह से भूमिका इनकी आवाज मुखर सार्प रही है वह काबिले तारीफ है। जी सर। मेरा नाम हरिओम गर्ग है, जो मैं अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा के अंदर राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में अपनी सेवा दे रहा हूँ। ये संगठन हमारा लगभग वैसे तो 2 या 3 साल से चल रहा था लेकिन लगभग 6-7 महीने से इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। आज ये संगठन अपना 80G से लेकर 12A से लेकर हर जगह ये रजिस्टर्ड है और आज ये संगठन मतलब इतना ऊंचाइयों पर चल रहा है कि आज 1 लाख से ज़्यादा हमारे सदस्य हैं वो इसके माध्यम से जुड़ रहे हैं। इस संगठन के माध्यम से आज हमारे 33 स्टेटों के अंदर पूरी टीम कार्य कर रही है जिले लेवल तक की और ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल में यूएई में भारत से बाहर भी ये हमारी टीमें इस समय गठित हैं और आज ये अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा के माध्यम से जो परिचय सम्मेलन एक दिल्ली में पहली बार एक ऐसा विशाल परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसके अंदर लगभग 1000 से ज्यादा युवक युवतियों ने भाग लिया और सबसे बड़े देखने वाली बात यह रही कि हमारी अगर समाज की जो बेटियां थी और हमारी जो बच्चे थे बेटे थे उन्होंने खुद अपना परिचय स्टेज पर आकर दिया और उन्होंने अपना वर वधु के लिए जो भी अपना डिमांड थी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो सबके सामने उन्हें शेयर करी। ये एक बहुत बड़ी बात रही। आज इतनी मतलब क्रांति आई है हमारे अग्रवाल समाज में कि आज हम कि भाई वो खुद भी स्टेज पर आकर अपना आपको प्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी चीजें ये थी कि आज कोविड पीरियड के दौरान कि भाई काफी घर जो थे वो अव्यवस्थ हो गए थे, काफी हमारे अग्रवाल भाई जो थे हमारी बहनें थी विदूर हो गई, हमारी मतलब भाई कोविड की वजह से चले गए जिससे कि वो परिवार अस्वस्थ हो गया तो आज ऐसे समाज में उनके संबंध भी बन जाते हैं तो ये हमारे समाज के लिए भी बहुत बड़ी बात है और हमारे संगठन के लिए बहुत गौरवान्वित की बात है। समाज और संगठन के लिए बहुत बड़ी बात है। अब मैं पदाधिकारियों से चाहूंगा को संक्षिप्त में बोले ताकि सभी लोग कवर हो सके। जी सर। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के पदाधिकारियों ने जिस तरीके से ये 2 दिन का कार्यक्रम करके अपना कुशलता का परिचय दिया है, ऐसे सम्मेलन होते रहने चाहिए और ये अपने आप में बहुत सराहनीय है, अपने आप में बहुत सराहनीय है। जी सर, आप क्या कुछ कहेंगे? हाँ, मेरा नाम किशोर कुमार गुप्ता है, मैं मुंबई से आया हूँ और मैं अखिल भारतीय अग्रवाल में आईटी सेल इंचार्ज हूँ और हमने 2 महीने पहले इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू किया और काफ़ी तादाद में हमारे पास में जो सदस्य जुड़े, आज ऑनलाइन और ऑफलाइन के द्वारा इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ है और इसको हम और बेहतर तरीके से आगे लेके जाएंगे अब हम इस ओर देखते हैं, हमारे कई सदस्य इस ओर है। कैमरामैन सर कहूंगा मैं इस साइड आ जाए वो। और सर अपना संक्षिप्त परिचय दे, कैसा लगा यह सम्मेलन, क्या अनुभव रहा? मेरा नाम किशोर बंसल है, मैं इस संगठन में राष्ट्रीय संगठन मंत्री के नाते काम कर रहा हूँ। ये जो सम्मेलन हुआ आज, हमारा समाज बच्चे बच्चियों के रिश्ते नाते के मैटर के ऊपर बहुत पिछड़ा हुआ या टूटने की कगार पर था।
आज इसके अंदर लाखों लोग जुड़े, बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति आए, सब ने सहयोग किया और सबको अच्छा लगा। हमारे बच्चे बच्चियों को भी ऐसा स्टेज पे आने का मौका लगा जो हमारा समाज इसमें संकोच करता था, तो उस नाते इसकी बहुत ही उपलब्धि रही इस सम्मेलन की। और हम ये चाहेंगे कि आगे भी ये सम्मेलन होते रहें और पूरे देश के अंदर हम ये एक मुहिम भी चलाना चाह रहे हैं ताकि ऐसे सम्मेलन बराबर होते रहें और हमारे समाज के अंदर जो रिश्ते नाते हैं वो समय के ऊपर बच्चे बच्चियों के बनते रहें। यह मुहिम ना केवल दिल्ली बल्कि नेशनल लेवल पर होने जा रहा है, जैसा कि पदाधिकारियों का कहना है, क्या कुछ कहना है? रामेश्वर गर्ग, राष्ट्रीय सलाहकार। सबसे पहले तो आप मीडिया प्रभारियों का अभिनंदन। अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा के तत्वाधान में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश में जितने हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उपाध्यक्ष हैं और स्टेट लेवल पे जितनी हमारी कार्यकारिणी हैं, और सबसे बड़ा योगदान आज हमारे अशोक कंसल जी जो इसके संचालक थे, उनके माध्यम से हमें आज वो प्रेरणा मिली है कि इस प्रोग्राम को हर स्टेट लेवल पे लेके जाएंगे और इससे भी अच्छा आयोजन करेंगे। आज 1000 के लगभग हमारे सदस्य जुड़े हैं इस पटल के माध्यम से, और जो परिचय सम्मेलन हुए हैं उनके अभिभावक भी यहाँ पे आए हैं। सबकी आपस में एक बहुत अच्छी कोऑर्डिनेट हुई है, बहुत अच्छा तालमेल बना है, और उसके बावजूद भी हम कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे कि हमारा प्रयास और आगे सफल हो, प्रयास और आगे सफल रहे। जैसे सारे पदाधिकारियों की बात सुनने के बाद हम अशोक जी और सतीश जी के शब्दों में कहें तो यह एक टेलर था दिल्ली से जो पूरे देश में जाएगा और हर स्टेट में अपना एक अलग रंग अग्रवाल समाज के अंदर बिखेरेगा। जी सर। मैं अनूप अग्रवाल, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ, और मेरा फर्ज कोष के ऊपर ज़्यादा रहता है, तो हमें शुरू में डर लग रहा था कोष कम है, कैसे प्रोग्राम होगा। कोष इस बार कम तो नहीं रहा? कुछ कम रहा, अगली बार ज़्यादा इकट्ठा करेंगे, पर सबके सहयोग से इस बार प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। सब ने काफ़ी हेल्प किया हम लोगों को, कुछ फ्री ऑफ चार्ज धर्मशाला प्रोवाइड किया, हमारे कंसल जी ने काफ़ी सपोर्ट किया, पदाधिकारियों ने सपोर्ट किया, तन से भी किया, मन से और धन के से भी किया। मैं सबका आभारी हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, महालक्ष्मी की कृपा रही, अग्रसेन महाराज की जय, धन्यवाद। महालक्ष्मी की कृपा रही। अब हम बात करें देश चलाने को या सभा चलाने को, जब तक युवाओं की भागीदारी ना हो तो वो कहीं ना कहीं कमी होती है, लेकिन ऐसे में यह सभा ने दिखा दिया कि युवाओं की हिस्सेदारी क्या होती है और जो युवा जुड़े हैं उनका रोब, रुतबा, कार्य, सेवा, दायित्व वाकई देखने बनता था। उनसे जानते हैं क्या कुछ वो शब्द अपने विचार समाज के सामने आपके सामने रखते हैं। मैं दिल्ली से युवा प्रदेश अध्यक्ष अनंत कर खेरिया। मैं एक ही चीज कहूंगा, पिछले 3 महीने से इस प्रोग्राम की तैयारियां चल रही हैं और आज तक कई गलतियां रहीं, कई अच्छाई रही, कई बुराइयां रही, ये प्रोग्राम उसके बावजूद सक्सेसफुल रहा। कल उम्मीद से ज़्यादा कैंडिडेट्स थे, सबने देखा यहाँ पे, और अंत में यही कहना चाहूँगा कि आगे भी कोई भी प्रोग्राम होता है उन गलतियों को ढक के कवर करके हम उसको आगे अच्छे से करें। सारे पदाधिकारियों ने एक से बढ़कर एक सेवा, समाज, कर्तव्य की बात कही। अब हम चलते हैं कुछ इस और भी एकाध पदाधिकारीगण बैठे हैं, उनसे जानते हैं वो क्या सोचते हैं, कैसे अपने विचार व्यक्त करते हैं संक्षिप्त में। मैं विद्यासागर अग्रवाल, श्रीगंगानगर राजस्थान से, संस्था के अंदर में राजस्थान प्रदेश महामंत्री के पद पर हूँ और मैं पिछले 20 वर्षों से इसी विषय पे काम कर रहा हूँ और अब तक 10,000 शादियाँ करवा चुका हूँ। मैं आशा करता हूँ, आशा ही नहीं विश्वास है कि हमारी संस्था के द्वारा ऐसे प्रोग्राम हर राज्य में करवाए जाएंगे और आज जो संस्था ने सम्मेलन कराया सक्सेस रहा और आगे इससे भी ज़्यादा सक्सेस रहेंगे और संबंध होते रहेंगे और सदस्य जुड़ते जाएंगे। अग्रवाल समाज का एक कारवा 2024 से पहले पहले 1 करोड़ हो जाएगा हमारी संस्था के पास में। अग्रवाल समाज का कारवा जो अभी जैसा कि बता रहे ऐप के माध्यम से 1 लाख से ऊपर है वह करोड़ तक जाएगा, ऐसे इनकी सोच, उम्मीद, सपना और संकल्पना भी है। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुशील बंसल, अग्रवाल महासभा,
हमने जो ये अपना महासभा के तत्वाधान में पहला प्रोग्राम किया है ये बहुत सफल रहा। इसमें हमारे सभी पदाधिकारियों का बहुत योगदान रहा और इसमें मैं विशेष रूप से अपने राष्ट्रीय सलाहकार जिन्होंने अपने उम्र की और थकान की परवाह ना करके रामेश दास जी का और अशोक कंसल जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने इतनी लगन से इस कार्य को सफल बनाया। और जहाँ तक हमारे एक ही गेस्ट की बात है, इतने हमारे पास 1000 से ऊपर जो लोगों ने सहयोग दिया, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि 2 साल से कोरोना में हमारे समाज में शादी ब्याह में थोड़ी रुकावट आई हुई थी, जिसका नतीजा था कि आज हमें मतलब इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। और हम इस मंच से हमने देखा कि अब हमें खाली यहाँ की सफलता से अवगत नहीं हो जाना है, हमें राष्ट्रीय स्तर पर ही ये प्रोग्राम करना है और इसमें हमें ऐसे ही सफलता मिलती रहेगी। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये आश्वासन दूंगा कि वो राष्ट्रीय लेवल पे स्टेट वाइज प्रोग्राम करते रहें, उनको पूरा सहयोग मिलेगा। दूसरा जो हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ने कैश की बात कही, मैं तो मानता हूँ हमारा अग्रवाल समाज में पैसे की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सही बात लेने वाला चाहिए और सही जगह लगना चाहिए। उसको बनिया थोड़ा तेज होता है, वो देखता है कि मेरा पैसा जेब में तो नहीं जा रहा किसी के, जितना मर्जी पैसा ले लो, हम दान के लिए मंदिर के लिए सब जगह खूब पैसा देते हैं। और बनिया ये ऐसा समाज है एक पूरा पैसा मतलब देने में आगे रहता है, तो इसलिए हम एक संगठन की जरूरत है और हमारा संगठन बहुत आगे बढ़ रहा है। जहाँ तक अर्थ की बात हो तो ये देश को चलाने वाला ही बनिया समाज है, इसमें अर्थ की कमी पड़े ऐसा नहीं कह सकते। जी सर, आप क्या कुछ कहेंगे? मैं राजेंद्र गोयल, जिलाध्यक्ष उत्तर पश्चिम दिल्ली। जो अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा के तत्वावधान में जो ये परिचय सम्मेलन संपन्न हुआ है, इसमें हमें उम्मीद से भी ज़्यादा सफलता हमें मिली है। इतनी उम्मीद नहीं थी जितने पार्टिसिपेंट्स में ने इसमें हिस्सा लिया। ऑन द स्पॉट बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं और सार पूरे संगठन ने तन मन और धन से बड़ा एक से एक आगे बढ़कर सहयोग दिया है और आशा करते हैं कि भविष्य में भी ऐसे ही कार्यक्रम होते रहेंगे और वो सफलतापूर्वक संपन्न होते। यह कार्यक्रम में जो झलका वह तन मन और धन के साथ दायित्व पूरा भरपूर था, जैसा कि आप स्क्रीन पर वीडियो में देख रहे हैं। जी। मैं राजेंद्र जिमीदार गर्ग लोंगोवर, राष्ट्रीय महामंत्री, आपको अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा द्वारा प्रथम परिचय सम्मेलन आयोजन किया गया जो कि बहुत ही सफल रहा। हमारी उम्मीद से ज़्यादा कैंडिडेट आए। और आपको मैं एक पुरानी बात बताना चाहता हूँ। 1975 में हरियाणा के दिवंगत मुख्यमंत्री बनारसीदास गुप्ता जी ने कैथल में परिचय सम्मेलन करवाया था, तब लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था भी ये क्या हो रहा है। उनकी दूरदर्शिता थी, हमारे बुजुर्ग हमारे पूर्वज हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, उनकी दूरदर्शिता भी ये आगे आने में जरूरत पड़ेगी। उनकी दूरदर्शिता के कारण आज देश में परिचय सम्मेलन हो रहे हैं और काफ़ी सफल हो रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश अग्रवाल जी ने भी बताया है कि हम प्रत्येक प्रदेश में ऐसे ही परिचय सम्मेलन करेंगे जिससे लोगों में अग्रवाल समाज में जागरूकता आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा अग्रवाल समाज इस कार्य में आगे बढ़ेगा। मैं सीमित में ही अपनी बात रखता हूँ। और यह हमारा संगठन संगठन नहीं है, परिवार है, कुटुंब परिवार है। इसमें 1.25 लाख सदस्य अभी तक जुड़े हैं और जो बीज हमने 8 माह पूर्व बोया था वह अभी पेड़ के रूप में ही ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन यह शीघ्र ही वट वृक्ष का रूप लेगा। यह हमारी टीम का एक मुख्य ध्येय है और इसे हम पूर्णता की ओर देश में नहीं विदेशों में भी ले जाने के लिए अग्रसर हो चुके हैं। मेरी सबको शुभकामना है, हम परिवार को संगठित रूप से लेकर चलें और आगे बढ़ाएं और यह हमारा परिवार फलीभूत हो और जो फलीभूत हो रहा है। अग्रवाल समाज का कारवा यहाँ से चल पड़ा है, अब यह देश के अलग अलग क्षेत्रों से होते हुए ये कहाँ तक चलता है यह देखने की बात है। आपने पूरा वीडियो तरीके से देखा, इसमें क्या कमी आपको नजर आ रही है और क्या अच्छा लगा, प्रशंसा भी करें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। दिल्ली से टाइम्स लाइव इंडिया के लिए जय निवास की यह रिपोर्ट। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।